गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिनको भी नेचुरल गैस में 5% लेवल के रिवार्ड मिले हैं। मतलब 583 पे शॉर्टिंग के लिए लेवल बना था, मैंने सजेस्ट किया था 583 के नीचे हमको 560 के लेवल मिलेंगे। अभी ट्रेड इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन नेचुरल गैस का जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 5% डाउन हो गया है। तो अगर 5% की अगर आपको कमाई हुई और अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। इस तरह के ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे कई सारे लेवल्स में आपको दूंगा और कई सारे 5% 10% के मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल में हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। दिस इज अजय योर होस्ट एंड दिस इज चैनल नेम इज अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट इंटर डे ट्रेड, क्या होगा नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसी की वजह से इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो वो कौन सी न्यूज है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, पोजिशनल ट्रेड कोई बन सकती है नेचुरल गैस में, आज की इंटर डे क्या रहेगी, क्लोजिंग क्या रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं बता दूं, 4 महीने से दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने जो कमाया है, मैंने जो भी मेरी इतनी बड़ी एफिशिएंसी रही है, जो सब लोग बोलते हैं सर जबरदस्त एफिशिएंसी 95% के ऊपर, वो सब दोस्तों सिर्फ टेक्निकल चार्ट और न्यूज एनालिसिस से संभव नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, हेजिंग, ये सब मैं करता हूँ, उसी की बदौलत ये हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आई है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आपके सामने फ्लैश हो रही है। यूक्रेनियन फेस वीक ऑफ इमरजेंसी एनर्जी शटडाउन, क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया है, जो इनका एनर्जी हब था वहां पे अटैक कर दिया, उसकी वजह से इमरजेंसी घोषित की गई है और शटडाउन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यूज आई है, ठीक है ना। तो ये वाली न्यूज आप पढ़े, देखो, रशियन अटैक्स ऑन यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल लीव यूक्रेन अंडर इमरजेंसी शटडाउन फॉर अप टू 5 वीक्स, विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वार्निंग दैट मोर अटैक्स मे फॉलो एंड मेयर्स ऑफ कीव। तो काफी सारी दोस्तों, मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी नेचुरल गैस का मार्केट जाए, मैंने हर वीडियो में बोला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पहले ये न्यूज एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज फटाफट बोल देना चाहता हूँ कि गाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज कैसी चीज को वायरल करते हैं। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग विथ लॉजिकल एनालिसिस जो इस वीडियो में दिया जाता है उसको वायरल करते हैं, या फिर आप जो वायरल वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं जिनके कोई सरपाव नहीं होते, या उनको आप वायरल करना चाहते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, यहाँ पे भी वही डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आप अच्छे कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट को वायरल करेंगे, तो यूट्यूब पे जब भी सर्च करेंगे आपको जेन्युइन कंटेंट ही मिलेगा। अगर आप फालतू के वीडियोज को देखना पसंद करेंगे, तो आपको वापस से यूट्यूब पे वही मिलेगा जो कि जेन्युइन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, ये बात कर लेते हैं। रशियन अटैक ऑन यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल लीव अंडर इमरजेंसी फॉर 5 वीक्स। 5 वीक्स मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, राइट। तो ये सेंटिमेंट्स है दोस्तों। अब आप बोलोगे ये तो यूक्रेन में हुआ है, राइट। तो देखिए, युद्ध भी तो यूक्रेन में हुआ ना, युद्ध भी रशिया यूक्रेन में ही हुआ ना, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में तो नहीं हो गया, लेकिन पूरा ग्लोबल वर्ल्ड क्राइसिस में चला ही नहीं चला गया। तो हर एक कंट्री आपस में कनेक्टेड रहती है, जब रशिया यूक्रेन की बात आती है कुछ भी होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है, राइट, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें, मोर देन 5-4 मिलियन ऑलरेडी विदाउट पावर, मतलब बहुत हालत खराब हो गई वहां पे नेचुरल गैस में, मतलब बहुत जबरदस्त, और वो भी अभी ठंड का माहौल है, सोचिए कितनी हॉरिबल कंडीशंस रही होगी। पता नहीं कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं, मैं जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता हूँ, और उसी की वजह से मैं बोलता हूँ आपको, यू नो, जियोपॉलिटिक्स मुझे, मैं महारत हासिल है, सारी न्यूज का एनालिसिस मुझे करना आता है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ट्रेडिंग में, बायलैटरल ट्रेड हो गया आपका, टेक्निकल चार्ट हो गया, न्यूज एनालिसिस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, ठीक है ना। इतनी सारी चीजों को कंबाइन करके मैं एक ट्रेड करता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो लॉजिकल एनालिसिस आपको दिया जाएगा, वेट करिए दोस्तों। एक तो ये न्यूज है और बहुत सारी न्यूज है जिसके बारे में अगर मैं आपको ये बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप नेचुरल गैस पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी दोस्तों न्यूज यही है। और एक और न्यूज है जो अभी देखे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे, ठीक है ना, या डबल गैस इंपोर्ट फ्रॉम ईरान थ्रू। देखिए, जो भी न्यूज आ रही है ना दोस्तों, मैं एक चीज बोल देता हूँ आपको, नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। और जब यूक्रेन में ऐसा हो जाता है ना, तब एक फैक्टर और एड ऑन हो जाता है नेचुरल गैस में, राइट, और ज्यादा डाउनफॉल होने लगता है, और वो रहा दोस्तों नेचुरल गैस में। देखिए, ये न्यूज का ही फर्क है। आप क्या समझते हैं, जो 5% का डाउनफॉल हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, ये क्या आपको चार्ट से लगता है? मुझे बताइए कितने चार्ट वाले हैं ऐसे जिन्होंने, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, कितने चार्ट वाले आपने यूट्यूब में देखे जो कैंडलस्टिक वाले हैं? मैं देखो, कैंडलस्टिक बिल्कुल देखना चाहिए, टेक्निकल चार्ट देखना चाहिए, और हम लोग जेन्युइन लोग ही देखते हैं कैंडलस्टिक, पहले मैं बता देता हूँ। लेकिन मुझे बताया कितने लोगों ने कैंडलस्टिक देख के ये प्रेडिक्ट किया कि कल ये 5% डाउन जाएगा? कितने लोगों ने प्रेडिक्ट किया? क्या आप कर सकते हैं प्रेडिक्शन ऐसा?
लेकिन न्यूज ऐसा प्रेडिक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपने देखा होगा इट्स नॉट अबाउट कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है न्यूज की, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं न्यूज को स्किप कर दूँ ना, मैं सिर्फ चार्ट पे करूँ ना, तो शायद मेरी एफिशिएंसी घट के 95% से आपको 85% मिल जाएगी, 80% मिल जाएगी, सीरियसली। लेकिन मैं क्यों करूंगा, मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्किल और नॉलेज, मेरा हमेशा से मुद्दा यही रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ट्रेडिंग लेवल तो मिले ही उनको, क्योंकि देखो वहां पे भी आपको लेना ही लेना है, रिवार्ड लेने लेना, प्रॉफिट लेने ही लेना। जैसी प्रॉफिट की बात आती है मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है या तो खुद अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट लॉस है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। मैं उसके लिए बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई जिम्मेवारी नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ बेस्ड टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे, क्या बाय सेल सिग्नल ट्रिगर होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको रिकमेंडेशन दी तो 6.556 पे दोस्तों, प्रीमियम मेंबर देखो मेरा यहाँ मतलब है जो मेरी चैनल की मार्केटिंग करते हैं दोस्तों, राइट। प्रीमियम मेंबर वो हो गए जो मेरी मदद करते हैं यूट्यूब चैनल मार्केटिंग वगैरह में, तो उनको मैंने बोला था कल इंडियन मार्केट में 583 के लेवल पे बोला था शॉर्ट करने के लिए, राइट। और 583 से आज इंडियन मार्केट अभी खुलेगा तो आप सोच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट 5% डाउन है, तो वो भी कम से कम 4% डाउन होगा, तो आपको सीधे 560 के लेवल्स मिलेंगे 580 से। आप सोचे 583 पे शॉर्ट करके 560, 4% का सीधा सीधा मुनाफा कितना होता है, 4% पता आपको, ठीक है ना। तो इस तरह के दिए जाते हैं, इस तरह के तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपका बहुत सारी चीजें होती है। मैं यहाँ पे देखो फिर बनूंगा तो अभी लोग बोलेंगे कि सर आप फालतू बातें करते हैं, मैं पहले लेवल दे देता हूँ, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये देखो यही होता है दोस्तों, जो चीजें आपको फालतू की लगती है ना एक्चुअली वही वैल्यूबल होती है। तभी तो ऐसा होता है कि 95% फेल होते हैं, 5% लोग ही, क्योंकि अगर आप जैसा सोच रहे हैं अगर वही मैं आपको दूं तो फिर तो आप उसी कैटेगरी में आ गए ना, फेल वाली कैटेगरी में, आप समझ रहे। अगर देखो तो आपको यहाँ पे वो नहीं लेना है जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं वो तो वैसे ही फेल, अगर आप फेलियर में जा रहे हैं तो वैसे ही फेल हो रहा है ना आपका, तो फिर वापस से वही सोच लेके क्या करना, आप समझ रहे मेरी चीज को। काफी लोग ऐसे होते हैं जो सर बोल रहे हैं सर 95% का नुकसान हुआ, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सर बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं सर ये पे, क्योंकि उनका माइंड वही रहता है, माइंड भी अभी वहीं पे ही है कि हमको सीधे ट्रेड लेके जाना है, उनका माइंड ये नहीं कि हमको नॉलेज और स्किल लेना, आप समझ रहे चीज को। बड़ी गुड बात है, इसलिए माइंड सेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ आपको, अभी 6.552 पे है, वनडे का चार्ट देख लेते हैं। थोड़ा बीच बीच में दोस्तों साइकोलॉजिकल बातें करता रहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर जगह, कोई भी प्रोफेशन हो अगर आप साइकोलॉजिकल मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड है ना तो उसमें डेफिनेटली आप अव्वल आएंगे, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज स्किल्स ये सब होती है। माइंड सेट अगर आपका क्लियर नहीं है, सेट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो देखिए देखो यहाँ पे अभी 6.55 पे आ गया, मैंने कल भी एक चीज बोली थी दोस्तों, ठीक है ना, मैंने बोला था कि इसका जो शॉर्टिंग का नीचे का लेवल है बहुत नीचे है, जब तक उस लेवल पे नहीं आएगा ना, जब भी ऐसा होता ना ट्रेड में आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। देखिए मान लो यहाँ पे ट्रेड, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक मिनट के लिए, और अगला जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सीधा यहाँ पे, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं जब तक यहाँ लेवल पे इसको क्रॉस नहीं करेगा जब तक शॉर्टिंग नहीं होगी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर ये यहाँ पे है मैं कहूँगा कि यहाँ पे जब तक नहीं आएगा इसके नीचे तब तक शॉर्टिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या वेट करेंगे, नॉर्मल लोग क्या करेंगे, यहाँ वेट करेंगे। लेकिन जो प्रो लोग है ना उनको पता है कि अगर ये डाउन जाएगा तो एक स्टीप डाउन जाएगा, मैंने कल भी बोला था वीडियो में, तो देखिए स्टीप ही गया क्योंकि ये यहाँ तक आएगा और यहाँ पे आके ये रिवर्स ले सकता है, और आप नॉर्मल लोग सोच रहे हो कि यहाँ से आके नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हेजिंग काम आती है क्योंकि देखो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, राइट। मैंने हमेशा से बोला दो पॉसिबिलिटीज होती है कि जो आप सोचते हैं ना उससे दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप जो सोच रहे कि डाउन जाएगा, और एक होता है जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर यहाँ से रिवर्स लेने करते हैं, तो आपको क्या करना है इसी पॉइंट पे दो ट्रेड बना लेने, समझ लो, एक नीचे का बना लेना है एक ऊपर का बना लेना, तो इसको हम कहते हैं हेजिंग। तो इसी एक पॉइंट पे अगर आपने नीचे का बना लिया यहाँ पे बाइंग का मान लो, और ऊपर पे यहाँ पे एक और बना लिया, राइट, तो आपने हेजिंग कर ली, आप समझ लो। ये हेजिंग करने के बाद होगा क्या, आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल कहाँ जा रहा है। फिर इसके बाद से अगर यहाँ से रिवर्स होता है, ध्यान सुने दोस्तों, यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर आप वहाँ पे बाय कर लीजिए, इन लेवल को रहिए, ठीक है ना। तो इन लेवल से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ मूवमेंट, अगर नीचे जाता है तो फिर एक और ट्रेड ले लीजिए। तो अब ये हेजिंग की बहुत बहुत प्रो लेवल पे बातें दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ हमेशा, ठीक है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो जितना लंबा हो जाए, देखो मैं नॉलेज दूंगा, अगर आपको लर्निंग दूंगा, स्ट्रैटेजी दूंगा, तो वीडियो छोटा कैसे रख सकता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट। या तो आपको मतलब काफी सब्सक्राइबर, काफी लोग, कुछ काफी तो नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर बोलते हैं सर वीडियो लंबा हो गया है, राइट। लेकिन अगर आपको नॉलेज स्किल चाहिए तो होना ही पड़ेगा ना, मैं कैसे करूंगा, सीधा या तो सीधा लेवल दे दूं। तो देखिए अभी जो लेवल है मैं बता देता हूँ आपको, 6.543 है,
जब तक यहाँ तक नहीं आता, देखो अभी आपको किसी तरह का ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। फिबोनाची सीरीज ड्रिवन कर लीजिए यहाँ पे, डेफिनेटली जब तक ये 6 पॉइंट आपको 5050 के नीचे नहीं जाता है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 6.50 नहीं, 6.48 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि, लेकिन अगर ये 6.45 के नीचे चला गया फिर तो ऐसा धमाल होगा ना दोस्तों, बहुत ज्यादा क्रैश होगा मार्केट, बहुत क्रैश होगा। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ वेट एंड वॉच करिए। ऑलरेडी हमने अच्छा खासा कमा लिया, जो नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर से दोस्तों आप बनिए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के, अगर आपने सेलेक्ट ऑल किया, अगर ये घंटी दबा के ऑल किया है, तो आपको ऐसे बेनिफिटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ ट्रेडिंग लेवल्स नहीं, हर वीडियोज में कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, एक्स वाई जेड मैंने 250+ वीडियोज बनाए, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा से ही उसमें हर वीडियो में ट्रेड के साथ न्यूज का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्किल्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, चार्ट एनालिसिस, सब कुछ कॉम्बो मिलेगा आपको। इसीलिए कभी कभार रिपीट हो जाता है, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर आते हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ता है, और ये जब तक मैं बार बार ही नहीं बोलता हूँ लोग गलतियां करते रहते हैं, आपने भी देखा है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में, ये मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ। इम्प्लीमेंट करना हमेशा इंडिविजुअल बेसिस पे रहता है, और अक्सर हमें यही भूल करते हैं हर जगह। आप देखिए ना, इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, आप कहीं पे भी देखिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको पता है क्या खाना, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, राइट। आपको डेली योगा करना, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको डिसिप्लिन करना है, नहीं कर पाते, राइट। लालच नहीं करना, नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका पैसा घुसा हुआ है, आपकी मेहनत की कमाई घुसी हुई है, आपकी फैमिली की इनकम घुसी हुई है, समझ रहे ना। तो दोस्तों यहाँ पे तो कम से कम थोड़ा डिसिप्लिन रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, काफी लोग हारते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है यू नो वो देख के, कि क्योंकि ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे एक्चुअली आपको कमाना चाहिए वहां पे आप लॉस खाते हो ना। तो थोड़ी सी अगर स्ट्रैटेजी वगैरह बैठ के अगर आप ये बना लो, जैसे मैं बना रहा हूँ, अजय का उल्टा चश्मा है दोस्तों, एक और मेरा चैनल है, वहां पे आपको इस तरह की सारी स्ट्रैटेजीज पॉइंट टू पॉइंट इंप्लीमेंट करके बताई जाती है। ये रहा अजय का उल्टा चश्मा, इसको भी आप चैनल को जाके, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट हो जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं लेवल्स आपको दे दिए नीचे के लेवल्स में, मैं यहाँ पे अभी आपको सस्टेन करना है, किसी तरह का ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अगर 6.45 के नीचे जाता है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में, तो आपको 6 के लेवल वापस दिख सकते हैं। लेकिन ऊपर के साइड में देखिए, अगर ये यहाँ से वापस से रिवर्स होता है और वापस से 6.75 को क्रॉस करता है ना शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, तो वापस से आपको 7 के आसपास ही आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ बड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए मैं कहूंगा यहाँ वेट एंड वॉच। कभी कभी मैंने हमेशा से बोला है, लोग हमेशा आतुर रहते हैं, आप देखा होगा, आपने आसपास के लोगों को देखा होगा, जो इनको लत लग जाती है इंट्राडे की, पता है उनको चाहिए ही चाहिए ट्रेडिंग लेवल। अभी मेरा फ्रेंड मैसेज करके बोल रहा है, अरे तू तो मेरे को ट्रेडिंग लेवल दे। मैंने कहा अरे भाई बन ही नहीं रहा, कहाँ से दू, अरे तू तो दे। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई भाई, कहाँ से दू जब बन नहीं रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, रोज रोज का नहीं होना चाहिए। देखो रोज वैसे भी रोज रोज होता है, अगर आप मुझसे पूछे, मैं अपने फ्रेंड्स को रोज करवाता हूँ, 30 दिन में से वो 25 दिन तो करता ही करता है, लेकिन 5 दिन ऐसे होते हैं ना जब बिल्कुल ही कुछ नहीं बन रहा है, बहुत रिस्की हो रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि आपको जबरदस्ती करना है। देखो जबरदस्ती जो आप ट्रेड करोगे ना उसमें कुछ भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी जो आती है ना उसको पिक करना है। कल देखो हमने 583, अभी इंडियन मार्केट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है, देखो तो एक हमारे जो फ्रेंड है, ठीक है ना, मतलब हमारे मेंबरशिप में है, सारे फ्रेंड्स ही मेरी पब्लिक भी फ्रेंड्स है, तो 583 पे शॉर्ट के लिए बोला था, आई थिंक वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो आगे क्या करना उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए 578 पे क्या, ये आज खुलेगा ही 560 के आसपास, डेफिनेटली 560 के पास जाने वाला, तो उनको तो 583 पे लिया उन्होंने, अच्छा खासा उन्होंने कमा लिया। वैसे मैंने 585 पे शॉर्ट करने के लिए बोला था कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में, हम लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करते हैं दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में मैंने बोला था। तो अगर आपको ये करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे हैं तो मेरे को लगता है कि 1 वीक का चार्ट 578.30, ठीक है ना, 1 वीक 1 मंथ का देख लेते हैं, 3 मंथ का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 560 पे है, क्योंकि आने ही आना आपको पता है, राइट। तो ये वाला है ना, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये 550 के नीचे आना जरूरी है, मैंने बोला था ना जैसे 545 के नीचे आना जरूरी है, अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में नीचे जाना है 545 के नीचे आना जरूरी है, जब भी जाके 545 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, 545 के नीचे सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स, सो यू कैन सी दैट लेवल्स अगेन ऑफ 500, राइट। लेकिन अपसाइड में अगर ये वापस से यहाँ से जैसे अगर मान लो 585 के ऊपर जाता है, तो फिर से आपको 600 के आसपास के लेवल्स मिल जाएंगे, लेकिन 600 इज ऑलवेज अ स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछे ना तो अभी किसी तरह का नहीं करना है, आगे मैं आपको बताता रहूंगा, लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा अभी वापस से, राइट। यूजुअली 9 बजे होता है रात को, राइट। तो मैं कभी भी रख सकता हूँ बेस्ड ऑन माई कम्फर्ट,
ये मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा लाइव ट्रेडिंग सेशनों को, उसमें आपको अगर यहाँ पे कोई क्रिटिकल रेजिस्टेंस और लेवल्स बनते तो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन दोस्तों तैयार रहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई भी ब्रेकआउट हुआ है ना बहुत बड़ी बहुत डाउनफॉल हो सकता है। हालांकि अपसाइड के लेवल मुझे थोड़े अगर जाता भी है तो इतने ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहे, लेकिन नीचे के मुझे बहुत सारे बड़े बड़े लेवल्स दिख रहे हैं दोस्तों। तो मैं अपडेट करता रहूंगा दोस्तों, आपको कोई भी न्यूज आती है या लेवल्स आते हैं मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी हम बात कर लेंगे दोस्तों। तो न्यूज देखते रहिए, न्यूज का एनालिसिस करते रहिए, लॉजिकल एनालिसिस करिए, प्रोफेशनल ट्रेडर बनिए, बने रहिए अजय ब्लॉग लवर्स के साथ, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को दोस्तों, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए बेल आइकन दबा के, यहाँ पे ऑल दबाएंगे तो आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो मैं दोस्तों यही वीडियो एंड करता हूँ। अगर किसी को गोल्ड का वीडियो चाहिए राइट, तो मैं गोल्ड का एनालिसिस वाला वीडियो भी बनाऊंगा ट्रेडिंग में, लाइव ट्रेडिंग में अगर आपको गोल्ड के कुछ लेवल चाहिए या निफ्टी 50 के लेवल्स चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जैसी आपकी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। सो टिल देन दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।